जी हेलो प्यारे विद्यार्थियों, 8वीं जमात की गणित की किताब का पाठ 8वां बीज गणितिक व्यंजक तत्समक अभ्यास नंबर 8.5 ते इस अभ्यास के आखिरी दो सवाल 8वां ते 9वां इस वीडियो में असी करन जा रहे हाँ। तुसी वीडियो में बड़े ध्यान दे देखो, सुनो ते समझो, हल अपनी नोटबुक में उतार लो, पर मगरों दी सवालों अपने आप करन दा अभ्यास भी जरूर करो। सवाल शुरू करिए। सो सवाल है बच्चों, एक्स जमा ए गुणा एक्स जमा बी बराबर एक्स का वर्ग जमा फिर ब्रैकेट च ए जमा बी गुणा एक्स जमा ए बी की वरतों करते हुए हेठ लिखिया नूं हल करो। सो बच्चो, ए तत्समक असी पहले सीख चुके हाँ, इहदे जुड़े कुछ सवाल किए भी ने, ते हुण असी व्यवहारिक रूप के प्रैक्टिकल रूप के इस तत्समक की वरतों करांगे ते देखांगे किवें संख्यावां बिना गुणा किए कागज कलम वरते असी जुबानी ए तत्समक की वरतों करके किदां असीं गुणनफल पता प्राप्त कर सकते हैं, आओ देखिए। सो पहला सवाल है बच्चों, 105 गुणा 102, 105 नूं 100 जमा 5 लिखा जा सकता है, 102 नूं 100 जमा 2 लिखा जा सकता है, ठीक है जी। हुण 100 साडा बन गया एक्स, ठीक है, 5 बन गया ए ते बी बन गया 2। सो 100 वर्ग जमा 100 ब्रैकेट च 5 जमा 2 ते जमा 5 गुणा 2, 5 जमा 2 होंदा 7, सो 100 दा वर्ग हो गया 10,000 ते जमा 100 गुणा 7 जमा 5 गुणा 10। सो ए 100 गुणा 7 बन गया 700 ते जिले 10,000 च 700 जोड़िया बन गया 10,700 ते जमा 10 ते बन गया 10,710, ए साडा जवाब जवानी आ गया। अगला है बच्चों, 5.1 गुणा 5.2 ते इहनूं लिख सकते हाँ 5 जमा 0.1 ते गुणा करके 5 जमा 0.2। हुण 5 साडा बन गया इत्थे एक्स ते ए बन गया 0.1 ते बी बन गया 0.2। सो यह बन गया 5 वर्ग जमा 5 ब्रैकेट पा के 0.1 जमा 0.2 ते जमा 0.1 गुणा 0.2, 5 × 5 25, 0.1 जमा 0.2 0.3 हो गया ते 0.1 गुणा 0.2 0.02 हो गया। हुण 5 थी 15 ते क्योंकि 0.3 आ गया ते बन गया 1.5। सो 25 जमा 1.5 बन गया 26.5 ते अगे आ गया 0.2, मतलब 2 जड़ा है दूजे दशमलव थां ते आ गया। सो 25.5 ते जमा 0.2 कितना आ गया 25.52, सॉरी 26.52। सो 25 जमा 1 है 26, 26.5 ते 26.52, लो जवानी ही बिना कागज कलम वरते असी है हल कर सकते हैं। अगला देखिए, 45 गुणा 49। हुण बच्चो 45 नूं मैं लिख सकदा 50 कटा 4 ते 49 नूं लिख सकदा 50 कटा 1, ठीक है। हुण 50 मेरा की बन गया एक्स ते ए बन गया घटा 4 ते बी बन गया घटा 1। सो इनू मैं इदा लिख सकदा, यह जी चीज है इनू मैं 50 जमा ब्रैकेट पा के घटा 4, 50 जमा ब्रैकेट पा के घटा 1। सो यह बी हो गया घटा 1, ए हो गया घटा 4। सो 50 का वर्ग जमा 50 ब्रैकेट पा के घटा 4 जमा घटा 1 जमा घटा 4 गुणा घटा 1, घटा 4 गुणा घटा 1 किन्ना हो गया, घटा गुणा घटा जमा हो जाती है। सो यह हो गया 4 × 4, यह जमा 4 हो गया ते घटा 4 ते इत्थे जिहड़े ब्रैकेट खोलिया ते घटा 1 बन जाएगा ते घटा 4 घटा 1 किन्ना हुंदा घटा 5 ते 5 × 5 = 25 ते दो सिफर लग गया 2500 बन गया। सो 2500 फिर इत्थे लिखिया, हुण जिहड़े 50 नूं घटा 5 नाल गुणा कीता ते बन गया घटा 250, 5 × 5 = 25 ते एक सिफर लग गया ते इत्थे घटा का निशान है, घटा और जमा जिहड़े गुणा होणगे ते घटा बन जाएगा। हुण 2500 चो 250 गया ते कितना बन जांदा बच्चो, 2250। सो 2250 च 4 जोड़ देना है ते बन गया 2254, ठीक है। अगे चलिए, अगला आ गया बच्चे 103 गुणा 94। सो 103 नूं लिख लिया 100 जमा 3 ते 94 नूं लिख लिया 100 घटा 6 ते 100 जमा 3 ते 100 जमा करके घटा 6 नूं ब्रैकेट च पा लिया। सो ए बन गया 3, बी बन गया घटा 6 ते एक्स बन गया एक्स बन गया 100। सो 100 दा वर्ग जमा 100 ब्रैकेट पा के 3 जमा ब्रैकेट च घटा 6 ते जमा 3 गुणा घटा 6। हुण 3 नूं घटा 6 नाल गुणा कीता ते 6 ती 18 ते घटा दा निशान है, सो इह बण गया घटा ते 3 घटा 6, 3 घटा 6 चो गया ते किन्ना बणेगा, 3 चो घटा 6 गया, मतलब 3 चो 6 घटाया ते बण गया घटा 3। हुण घटा 3 नूं 100 नाल गुणा कीता ते बण गया घटा 300। सो 10,000 चो जिहड़े 300 गया ते बन जाएगा 9,700 ते 9,700 जिहड़े 18 गया ते किन्ना हो जांदा बच्चो, इह बन जाएगा 9,000, सॉरी 9,700 चो ए नौ ए 10,000 तो 300 गया तो 9,700 हो गया ते 9,700 चो जिले 18 गया तो बन गया 9,682, ठीक है। अगे चलिए,
हुण यह देखो सवाल है बच्चे, इन्होंने दो तरीक़े ना किया है, तो तुम भी दोनों तरीक़ों के अभ्यास कर लेना ताकि तुम्हें पता लगे कि कुछ सवाल ऐसे होंगे ने जिन्होंने असी एक तो वध तरीक़े ना भी कर सकते हैं। सो है 9.3 × 9.2, सो इन बच्चे मैं 9.3 लिख लिया 9 जमा 0.3, तो 9.2 लिख लिया 9 जमा 0.2, सो 0.3 हो गया ए, 0.3 हो गया 2 हो गया बी, तो 9 हो गया एक्स। सो 9 का वर्ग जमा 9, 0.3 जमा 0.2 जमा 0.3 × 0.2, 9 × 81, 0.3 जमा 0.2 कितना हो गया 0.5, तो 0.3 × 0.2 हो गया 0.06। सो यह हो गया 9 × 5 45, तो 4.5 हो गया। सो 81 जमा 4.5 जमा 0.06, 81 और 4 85, सो 85.5 हो गया, तो 85.5 जमा 0.06, सो दूजे थान ते आ गया, तो सीधे आ गया 85.56, यह साडा आ गया जवाब। हुण बच्चे इस ढंग ने भी कर सकते सीगे, 9.3 नूं मैं लिख सकदा 10 कटा 0.7, तो 9.2 नूं लिख सकदा मैं 10 कटा 0.8, जिन्हों मैं फिर इदा लिखागा 10 का वर्ग जमा 10 ब्रैकेट पा के 0.7 जमा 0.8 माइनस ब्रैकेट पा के, तो जमा ब्रैकेट पा के 0.7 माइनस गुणा 0.8, सो जी माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, 8 × 7 = 56, सो 0.56 रहा हो गया। तो यह भी 0. माइनस है 0.7, यह भी माइनस है, जल्द ब्रैकेट खोलेंगे तो यह भी माइनस हो जाएगा, सो 8 × 7 = 15, यह बन गया -1.5। -1.5 जल्द 10 ना गुणा होएगा तो दशमलव उठ जाएगा, तो कला 15 रह जाएगा, तो इतने साइन आएगा माइनस, क्योंकि तो जमा है एक जमा जल्द माइनस ना एक ना गुणा होता है तो माइनस बन जाता है। सो 100 कटा 15 जमा 0.56, हुण 100 चो 15 गया कितना 85, तो 85 में जल्द 0.56 जोड़ा तो बन जाएगा 85.56। सो चाहे इदा करो चाहे इदा करो, जवाब थोड़ा सेम आया है, तो तुम दोनों ढंगों के नाल बच्चे यदा अभ्यास कर लेना है। अगला आखिरी भाग है शायद यदा देखिए, सो 10.3 × 9.8, सो 10.3 लिख लिया 10 जमा 0.3, तो 9.8 लिख लिया 10 कटा 0.2, यह जी एक्स हैगा यह सेम होना चाहिए, तो यह सवाल होंगे जिथे 10 है तो इतने भी 10 हो, जिथे 9 तो इतने भी 9, जिथे 5 तो इतने भी 5, ठीक है। सो यह बन गया 10 का वर्ग जमा 10 ब्रैकेट पा के 0.3 जमा ब्रैकेट पा के कटा 0.2 जमा 0.3 ते कटा 0.2, 0.3 ते 0.2 कटा 0.2 जल्दी होने गुणा तो बन जाएगा कटा 0.06, तो 0.3 चो जल्द 0.2 गया तो बन गया 0.1, तो 0.1 जल्द 10 ना गुणा बन गया, गुणा किया तो कला बन गया 1। सो यह बन गया बच्चे 100 जमा 1 कटा 0.06, 1 चो 0.06 गया तो कितना हो गया 0.94, सो 100 में जल्द 0.94 जुड़े तो बन गया 100.94 साडा आ गया जवाब। हुण देखिए बच्चों आखिरी सवाल, बहुविकल्पी प्रश्न, सौखा ही है, ये साड़ी किस्म की दोहराई हो जाएगी, जेडे असी तत्समक सूत्र पढ़े ने उन्होंने पता होना चाहिए। सो तत्समक पूरा करो, ए जमा बी वर्ग सानू पता है बच्चों, ए वर्ग जमा बी वर्ग जमा 2AB, जवाब आ गया ए बी। तत्समक पूरा करो, ए वर्ग कटा 2AB जमा बी वर्ग, हुण इत्थे कटा का निशान है, सो यह बन जाएगा ए कटा बी पूरे का वर्ग, यह साडा जवाब आ गया, ठीक है जी। फिर कहते हैं तत्समक पूरा करो, ए जमा बी ब्रैकेट पा के ए कटा बी, तो सानू पता ही बच्चों ए वर्ग कटा बी वर्ग, ए लो जी। ए बच्चों इस राही बहुविकल्पी प्रश्नों राही फटाफट जबानी साडा जरा दोहराई हो जाती कि जेडे सानू तत्समक ने यह चंगी तरह पानी वांगू कंठ होने चाहिए ने, ठीक है। अगे चलिए हुण देखो, यह भी तत्समक आ गया, एक्स जमा ए गुणा एक्स जमा बी, हुणी असीं जिहड़े 8वां सवाल कीता वाला, सो एक्स वर्ग तो आना ही आना है, तो एक्स तो इतने आएगा बच्चों ए जमा बी, देखो ए जमा बी कौमा, तो इतने आएगा ए बी है वाला, सो यह साडा जवाब आ गया, इतने आएगा ए जमा बी ए वाला, तो ए वाले खाली स्थान से आएगा ए बी। फिर कहते वाई जमा 5 × y = 5 हल करने लिए ढुकवें तत्समक वरतो, सो बच्चों सानू पता ही है वाई वर्ग कटा अपना 5 वर्ग, सो यह बनेगा साडा ए जमा बी ए कटा बी बराबर ए वर्ग कटा बी वर्ग, इतने ए हो गया वाई तो बी हो गया 5, सो यह जरा हल करने लिए सानू ए वाले तत्समक की वरतों करनी पेगी, सो यह बन जाएगा यदा जवाब जल्द बना हो कहे बनेगा वाई वर्ग कटा 5 वर्ग, तो 5 वर्ग का 25 होंगे, सो जवाब हो जाएगा वाई वर्ग कटा 25, ठीक है। अगे चलिए होंगे 3/2P जमा 2/3Q, तो ब्रैकेट पा के फिर 3/2P कटा 2/3, ए बच्चे उही तत्समक जरा हमने चौथे भाग से असी किया, मतलब कि ए जमा बी ब्रैकेट पा के ए कटा बी बराबर ए वर्ग कटा बी वर्ग, ए दा मतलब यह होया कि ए दा वर्ग ते कटा ए दा वर्ग, यह साडा जवाब आएगा। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4,
पी का वर्ग पी वर्ग। सो यह मतलब होगा 9π/4। लो जी 9π/4 एक तो इतने आ गया, तो कटा का निशान आएगा, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो क्यू का वर्ग। सो 4/9³, 4/9³ यह साडा जवाब है। फिर आ गया बच्चों 2x+3 ते 2x+5 का गुणात्मक गुणनफल प्राप्त करने लिए कि ढुकवें दशमलव की वरतों की, वही जो असं 8वें सवाल चो नहीं किए हैं। सो x+a x+b जिस एक्स जो है बच्चों 2x के बराबर है, तो ए जो है वह 3 के बराबर है, तो बी जो है वह 5 के बराबर है। सो ए वाले दशमलव की वरतों सी जो सा जवाब है यदि की जाएगी। ठीक है जी, अगे चलिए आखिरी पाल आ गया। जेकर 2π+3Q(2π+3Q) 2π+3Q किसी आयत दियाँ किन्हें नहीं किसे हाँ किसी आयत दियाँ भुजावां हन, तां उस आयत का खेत्रफल की होगा। खेत्रफल तुहानूं पता है बच्चो, आयत का खेत्रफल की होंगे दोनों भुजावां का, जिहड़ियां दो भुजावां ने लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। यह मतलब होया कि असीं इह दोनों नूं गुणा करना है। तो बच्चो तत्समक है a+b तो a+b भाव 2π² - 3π² सो 2π² क्या 4π² देखो 4π² तो घटा 3q² 3 का वर्ग 9 तो q² क्यू वर्ग सो 9q² ए का जवाब है। यह खेत्रफल इस आयत का होगा जो दो भुजावं एवड़िया ने। ठीक है बच्चों, सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों तुहाडा अभ्यास नंबर 8.5 का आखिरी 2 सवाल, तो इस वीडियो के नाल तुहाडा अभ्यास एवड़ा अभ्यास के नाल तुहाडा पाठ बीज गणितिक व्यंजक तत्समक इत्थे ही समाप्त हुंदा है। सो तुसीं इसी तरह नेम नाल उत्साह नाल अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई रब राखा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।